वेलकम टू ऑल एवरीवन, वंस अगेन लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। लिसन केयरफुली, तो 1935 जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें दो बातों को मुझे और जोड़नी है। एक तो मैंने ये कहा कि उसमें जो प्रोविजंस थे उसके अकॉर्डिंग 1935 एक अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा, जो व्हाइट पेपर था, जो कानून बन रहे थे, जो संविधान बन के तैयार, उसमें प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट का, प्रोविंशियल इलेक्शन का, फिर प्रोविजन था रिजर्व बैंक का, एक सेंट्रल बैंक का। तो 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारत में एक सेंट्रल बैंक के स्टेटस के तौर पर फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक बैंक स्थापित हुआ, जो एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर कलकत्ता में स्थापित हुआ एज ए हेडक्वार्टर। 10-11 महीने बाद दिस बैंक ट्रांसफर टू मुंबई, नरीमन पॉइंट मुंबई, और 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया आजादी के बाद, और उसका नाम उसके कानून के नाम पर रख दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो भारत का फेडरल बैंक है। तो हिंदी में फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लिश हिंदी में भारत का संघीय बैंक। तो इसी कानून से द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1937 एट न्यू दिल्ली अंडर दिस 1935 कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द फर्स्ट टाइम इन द व्हेन द फुल ऑटोनोमस इन प्रोविंस, द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया इन ऑल प्रोविंसेस, देयर वर 11 प्रोविंसेस। तो उस टाइम में कितने प्रोविंस थे, 11 प्रांत, सभी प्रांतों में हुए इलेक्शन हुए, तो वो ध्यान पर रखना है। अब अगले पॉइंट पर चले तो ही बात करें, नेक्स्ट की संदर्भ को समझिए। अब 12-11 थे, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। संघीय व्यवस्था में जो भी कुछ था वो समझ गए। अब उस टाइम में जो आपका न्यायाधीश थे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो एस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट आज कहते हैं, उसमें क्या सिस्टम था। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य, यानी देर आर 6 judges and 1 chief justice ऑफ इंडिया। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा। तो एक मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का और अन्य 6 न्यायाधीश, कुल 7 जजों से कंस्टिट्यूएंट हुआ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसका एज क्या दिया था उसी टाइम से, 65 एज इज रिटायरमेंट, ठीक है। और वेतन क्या था चीफ जस्टिस का उस टाइम में, 7,000 रुपीज था, एंड अदर जजेस का जो वेतन था 5,500 रुपीज था। नेक्स्ट पे जरा समझे, अब हम ये देखते हैं कि उस टाइम में ही ऑलरेडी योग्यता के बारे में तय था, जो आज जो एलिजिबिलिटी फॉर जज के है ना सुप्रीम कोर्ट के, एज इट इज एलिजिबिलिटी थी, तो कोई इश्यू नहीं इसे समझने का। अब अगले पॉइंट पर आइए, अगर 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता तो कौन करता, तो इन 1935 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ओनली वन। भारत में जो पार्लियामेंट है उसका तो अभी कोई वजूद, यानी वो कुछ नहीं कर सकता, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाई कौन थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो संशोधन कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, याद रखिएगा। इसी से आपका एक पोस्ट क्रिएट हुआ 1935 में, जिसको कहते हैं क्या, AGI, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखा परीक्षक, ठीक है ना, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखा परीक्षक। 1960 बताया था ना बजट के समय में आया था एक, क्या ऑडिटर आया था, जिसको हम कहते हैं AGI, नहीं क्या लिखे थे AG, अब वही चीजें बढ़ करके ये हो गया, तो ये याद रखिएगा। और क्या हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ऑडिटर जनरल था, और एक एडवोकेट जनरल जो होता है वो महाअधिवक्ता जो स्टेट लेवल पे है उसका पद क्रिएट किया गया, तो ये सब चीजें आई। अब आइए, एक रेलवे बोर्ड हुआ, उसका एक मुख्यालय बनाया गया, तो रेलवे बोर्ड मुख्यालय बना, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट की बात, तो 1935 के कानून से भारत का शासन कब तक चला, ये एक सवाल है। रिमेंबर, 1935 के अकॉर्डिंग भारत का शासन आजादी 1947 15 अगस्त तक तो चला ही,
लेकिन जब भारत डिवाइड हो गया तो आफ्टर डिवीजन ऑफ इंडिया इट वॉज रिमेन कॉन्टिन्यू. तो 1935 का संविधान भारत में कब तक चला? 25 जनवरी 1950 तक, यानी आजादी के बाद से लेकर भी लगभग पौने तीन माने ढाई साल चला. याद रखिएगा 25 जनवरी के मिडनाइट 12 बजे तक 1950 में 12 बजे तक लागू रहा 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी 1935 का संविधान लगातार कब तक चला? 22 मार्च 1956 तक, क्योंकि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करेगा. तो वो था, तो याद रखिएगा जब किसी देश को आजादी तो मिल गई लेकिन उस देश पर कानून या संविधान वही चल रहा है जो उसके रूलर कंट्री ने बनाया था, तो उस पीरियड को कहा जाता है पॉलिटिकल डोमिनियन एरा, पॉलिटिकल डोमिनियन स्टेट. क्या मतलब है? राजनैतिक उपनिवेश. तो भारत ब्रिटेन का राजनीतिक उपनिवेश कब से कब तक रहा? तो जवाब दीजिएगा 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक. पाकिस्तान जो है ब्रिटेन का राजनैतिक उपनिवेश, पॉलिटिकल डोमिनियन स्टेट्स कब तक रहा? तो क्या बोलिएगा? 14 अगस्त को आजाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 से लेकर के 22 मार्च 1956 तक. तो समझ में आ गया पॉलिटिकल डोमिनियन का मतलब, जब कोई राज आजाद है पर उसका जो संविधान है वो किसी अन्य देश के द्वारा या रूलर कंट्री के द्वारा बनाया गया उसके हिसाब से चल रहे, तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल डोमिनियन, राजनीतिक. तो भारत है, याद रखिएगा 1757 से लेके 1857 तक इंडिया जो था वो ब्रिटिश का या ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? इकोनॉमिक डोमिनियन, जिसको आप क्या कहते हैं? आर्थिक उपनिवेश था. ठीक है, तो ये एक आर्थिक उपनिवेश था, यानी इकोनॉमिक डिवीजन कह लीजिए या कॉलोनीज था. ठीक है, आर्थिक उपनिवेश था. अब 1858 का जो एक्ट आया 1 नवंबर को लेकर के आजादी तक, अब हम क्या थे? स्लेव कंट्री ऑफ ब्रिटिश, हम ब्रिटेन के अब गुलाम देश थे, पार्ट ऑफ देयर एम्पायर. और आजादी से लेकर संविधान के लागू होने तक, रिपब्लिक बनने तक हम क्या थे? पॉलिटिकल डोमिनियन थे. याद रखिएगा, हॉट क्वेश्चन आता है. चलिए यहां तक आप समझ गए, अब आगे बात करें. तो इस कानून का तो देख लिए प्रोविजन, अब है जो भारत का संविधान जो आज है उसका बेस क्या था? 1935 कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस ऑफ इंडियाज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन पाकिस्तान प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. और आज जो हमारा संविधान है उसका 80% पार्ट हमने कहां से लिया? वी टेकन फ्रॉम एज इट इज फ्रॉम 1935 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ प्रोविजंस वहीं से लिए गए. ठीक है, अब है ये जो सब्जेक्ट बटा हुआ है स्टेट में और इसमें, ये तो पहले ही था, 1919 में ही सब्जेक्ट आ गया था, स्टेट का विषय कितना होता था इसका, ये सब पहले था. अब नेक्स्ट आते हैं हम जो कैबिनेट मिशन है उस पर बात. अब ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं. तो ये तो आप जाने दीजिए, गवर्नर जनरल के संदर्भ में जो कुछ भी चेंजेस हुए या जो असेंबलीज बनी जो कुछ भी, वो 1935 को फ्री कर दीजिए. अब नेक्स्ट पे हम आ रहा है, ध्यान देना है. जैसा कि आप जानते हैं जो 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुए उनमें से 7 प्रोविंस में विथ फुल मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी जीत की और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी. 2 प्रोविंस में कांग्रेस प्लस अदर पॉलिटिकल पार्टीज की मिली जुली सरकार बनी, जिसको कहते हैं क्या? कोएलिशन गवर्नमेंट. 2 में कोएलिशन. तो कांग्रेस पार्टी 7 में सरकार अपनी अकेले बनाई प्लस 2 में जो है मिली जुली सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं 9 स्टेट्स कांग्रेस से रिलेट हो गए. बच गए कितने? 2 स्टेट्स. 2 स्टेट्स में एक पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी. यूनियनिस्ट पार्टी एंड कृषक प्रजा पार्टी की सरकार पंजाब में बनी. 10 स्टेट. 11वां बंगाल.
बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, क्योंकि वही जीत कर रही, तो मुस्लिम लीग की सरकार बनी। तो कुल मिलाकर के आपने देखा 11 प्रांत ये इलेक्शन, ठीक है, ये जीत हासिल की, जाने दीजिए, समझ गए। चलिए अब हम जो बात कर रहे हैं समझना है, नेक्स्ट अब क्या है। तो नेक्स्ट आपका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो गया 1939 to 1945, तो वो लोग चाह रहे थे कि भारत के संसाधन का इस्तेमाल हो, लोगों से लेकर के संपत्ति तक का, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल लें, तो शामिल करेंगे तो कुछ रियायत दे दो। तो वो एक अगस्त प्रपोजल लेकर आए जो इतिहास में पढ़ाएंगे, हम लोगों ने डिनाई कर दिया। फिर उन्होंने मिस्टर क्रिप्स को, स्टफर्ड क्रिप्स को भेजा, यू हैव टू गो। तो क्रिप्स प्रपोजल लेके आया, हमने उसको भी डिनाई कर दिया। एंड रिमेंबर क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू कर दिया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय चल रहा था उसमें, जो इतिहास के क्रम में हम बताएंगे। क्रिप्स जो थे, जो मिशन लेकर आए, वो एक्चुअली क्या थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर तो थे ही, लेकिन अमेरिका ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू विन द वॉर इन एशिया देन यू मस्ट बी टेक द असिस्टेंस ऑफ इंडिया, सो यू हैव टू गिव एन सम प्रिविलेज टू इंडिया, गो विद ए प्रपोजल। तो ऑन द प्रेशर ऑफ अमेरिका क्रिप्स मिशन सेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंडिया टू टॉक देम, ये बात है। चलिए लड़ाइयाँ चलती रही। अब देखते हैं 1945 के आसपास फिर रशिया ने प्रेशर दिया ब्रिटेन को, यू मस्ट बी टेक द असिस्टेंस ऑफ इंडिया। तो रशिया के प्रेशर पर वेवेल प्रपोजल आया। मिस्टर वेवेल यहाँ के गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया जो रशिया के प्रेशर पर यह प्रपोजल आया। तो प्रपोजल रसिया ने नहीं तैयार किया, अमेरिका ने नहीं तैयार किया, तैयार तो किया किसने, ब्रिटेन ने, पर उनके दबाव पे कि ये काम करना चाहिए। जैसे आज अमेरिका दबाव बनाएगा चीन और भारत के संदर्भ में, या जो भी है, या जो भी बनाएगा, या रसिया बनाएगा, तो ये चीज़ है, मोस्टली रसिया ही बनाएगा। तो कहने का मतलब है अब ये प्रपोजल आया क्रिप्स का, वेवेल का प्रपोजल आया। तो वेवेल ने अपने इस प्रपोजल पर बातचीत करने के लिए सबको बुलाया, कहाँ, तो उस टाइम में जो समर कैपिटल होता था इंडिया का वो शिमला होता था, लॉर्ड डलहौजी ने शिमला नेपाल से जीत करके बना लिया था, तो शिमला में होता था। तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो था, लॉर्ड वेवेल ने जिस प्रस्ताव पर लोगों को बुलाया था, इंडियन पॉलिटिशियन को, नोन एज शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस, 25 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था टू टॉक ऑन वेवेल्स प्रपोजल। वेवेल के प्रस्ताव पर शिमला में 25 जून 1945 को एक सम्मेलन हुआ जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 25 जून गर्मी का महीना, तो समर का कैपिटल वही होगा ना शिमला, तो कैपिटल में हुआ ना ये, पर हम लोगों ने सबको डिनाई कर दिया। और धीरे धीरे समय ऐसा हुआ कि अंततः लड़ाइयाँ भी अंत हो गई, लेकिन लड़ाई का अंत हुआ लेकिन ब्रिटेन की हालत खराब। हम भी जीत तो जाते हैं लेकिन जंग जीतने के बाद भी तो बहुत सारे घाव होते हैं, बॉडी को रिवाइव करना आता है, मेंटल सिचुएशन को रिवाइव करता है, सिस्टम को डेवलप करना पड़ता है। तो अमेरिका जन जो भी था, तो ब्रिटेन का काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ, उसको रिवाइव करना, जैसे कोरोना के बाद जैसे हो रहा है, तो रिवाइव करना। तो उसके लिए अब क्या हुआ, बात चल रही थी कि अब जो है कोई युद्ध ना हो, तो इसलिए अब एक यूएनओ की स्थापना हो गई, यू नो 24 अक्टूबर उससे पहले यूएनओ की स्थापना हो गई। तो यूएनओ की स्थापना हो गई और बात चलने लगी कि सभी देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, सिस्टम सब सारा बदल गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, आईएमएफ आ गया, सिस्टम बदल रहा है। अब जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए, फास्ट सिस्टम, मूविंग व्हीकल्स आ गए, आप दूर से ही किसी देश को रिमोट करके वहाँ के सत्ता को प्रचालित करके अपने हित में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जरूरी है, देखिए हम दूर से ही आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, ऐसे ही दूर से ही जो है अब वो रिमोट सिस्टम से इन सब देशों को चला सकता था, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, आईएमएफ के थ्रू, यूएनओ के थ्रू, अभी भी चला ही रहा है कमजोर देशों को। तो सोचा कि अब वहां जाकर के खतरा लेना, 32 दांतों के बीच में जीव की तरह रहना सत्ता में उचित नहीं है, यू हैव टू बी कम बैक। इन दैट रिस्पेक्ट नाउ द टॉक्स स्टार्ट, और बात होने लगी कि अब भारत को आजादी दिया जाए, क्योंकि वो अब संभालने की स्थिति में खुद ही नहीं थे। तो ये चीजें, अर्थात गौर से सुनिएगा, अब जो मैं बता रहा हूं कैबिनेट मिशन की पृष्ठभूमि, आप भी जानते हैं कैबिनेट मिशन का सदर, ये तो हो गया, कैबिनेट मिशन 1946, सुनना 1945, as you know, 3rd September 1945, war finally ended.
एग्रीमेंट साइन, ओके। और वहां पर जो है अब नेशनल गवर्नमेंट थी, विंस्टन चर्चिल नेशनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, और बात अब ये चलने लगी थी कि बहुत जल्दी अब भारत को आजाद कर दिया जाएगा ब्रिटेन में। तो चर्चिल ने थोड़ा कंजर्वेटिव पार्टी का भी था और कंजर्वेटिव माइंड भी था, ये कहते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन दे दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे रिजिम में या मेरे रीजन में भारत आजाद हो और ब्रिटेन के आने वाली पीढ़ी इतिहास के पन्नों में ये पढ़े कि जब चर्चिल ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था तभी भारत आजाद हुआ। इसलिए उसने क्या किया, उसने रिजाइन दे दिया। ये वही चर्चिल है जो मिस्टर गांधी को कहा था नंगा फकीर, नंगा फकीर न्यूड सेंट इनाम दिया था, और उसी ने कहा था वन मैन आर्मी, गांधी को ही। तो नंगा फकीर भी कहा, वन मैन आर्मी भी कहा, और उसी ने वार्तालाप में कहा था कि मैं भारत में चीजों को इतना महंगा कर दूंगा कि भूखे मर जाओगे। गांधी जी ने कहा, 1942 की बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, जैसा भी होगा हम जी लेंगे पर तुम देश छोड़ दो, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया। उन्होंने ये कहा था कि बोरियों में पैसे भर के जाओगे और माचिस की डिब्बी में सामान लाओगे, ये हालात में पैदा कर दूंगा तुम्हारे देश में। तो गांधी ने कहा था वो भी सह लेंगे, तुम देश छोड़ दो। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है बेटा। तो चलिए, जो भी है इतिहास के पन्नों में अंदाजे बयां होगी सारी बातें, ये तो थोड़ा पॉलिटिकल है, जरा सुनिए। तो अब क्या होता है, ब्रिटेन में चर्चिल का रिजाइन दिया जाता है, और उसी तरह से उसके पिछलग्गू जो थे यहां पर वो कौन था, लॉर्ड वेवेल। तो भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवेल ने भी रिजाइन दे दिया 1946, रिजिग्नेशन दे दिया। तो रिजिग्नेशन जब दे दिया तो अब क्या होता है, जरा देखिए। अब यहां तो आ जाता है लॉर्ड विस्काउंट माउंटबेटन सत्ता ग्रहण करने के लिए, ठीक है, अभी वो हो गए गवर्नर जनरल। उधर तो अब इलेक्शन होगा, तो ब्रिटेन में इलेक्शन होता है वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स का। याद रखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स में टोटल सीट कितने हैं आपको मालूम है या नहीं मालूम है, 650 सीट्स हैं, 650 सीट्स हैं वहां, हर 1,00,000 पर एक लोकसभा सीट है, 1,00,000 पॉपुलेशन पर, चलिए तो 650 सीट है। अब जरा गौर फरमाइए, तो ब्रिटेन में चुनाव का माहौल, और जो एशियन पीपल वहां रह रहे थे उनका अपना एक यूनिटी था, और जो माहौल बन रहा था उसमें जो है कंजर्वेटिव पार्टी तो भारत को आजाद नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जो वहां पे दूसरा लेबर पार्टी थी वो कह रही थी कि अगर मुझे सत्ता हासिल हुआ, चुनाव में लेबर पार्टी जीती, तो हम भारत को आजादी दे देंगे। बताइए, एशियन ओरिजिन जो वहां रहते किसको वोट देंगे, और जो लोग फ्रीडम चाहते थे कि अब क्या देश, अभी भी अमेरिका में ही अमेरिकी सैनिक जो यहाँ पाकिस्तान इस जगह अलकायदा वगैरह लड़ रहे हैं, बहुत लोग उसके खिलाफ हैं कि क्या जरूरत है पूरी दुनिया का हम ठेका लेने का, ऐसे लोग हैं, तो वो किसको वोट देंगे, वही चीज़। तो याद रखिएगा, अच्छी खासी वोट मिला लेबर पार्टी को, और लेबर पार्टी की सरकार फॉर्म हुई। किसकी सरकार फॉर्म हुई, लेबर पार्टी, याद रखिएगा। तो लेबर पार्टी विन द इलेक्शन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड हु बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, सर या सर हटा दिए, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड टेक एंट्री इन हाउस ऑफ कॉमन्स एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड गिवन ए स्पीच। देयर इज ए कोटेशन अंडर दिस स्पीच इज दैट, ध्यान देंगे। तो अपने भाषण में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने 22 फरवरी 1946, रिमेंबर 20 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर लेबर पार्टी ने कहा, जैसा कि हमारी पार्टी ने चुनाव के दिनों में वायदे किए थे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो भारत को आजाद कर दूंगा, तो आज मैं ये घोषणा करता हूं कि भारत को 1948 तक आजादी दे दी जाएगी। दैट वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, इंडिया गोइंग टू बी फ्री टिल 1948। Then have to start process. तो ये बात हो गई, process start होगा।
1946 में 18 फरवरी को हमने नौसेना विद्रोह किया था INS तलवार नाम के जहाज से कराची से, और जैसे 20 फरवरी को घोषणा हुई 23 फरवरी 1946 को हमने नौसेना विद्रोह को शांत कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे वल्लभ भाई पटेल मिलकर के शांत कर दिया कि गो इन बैरक, नो नीड टू बी गो अगेन, इट्स नाउ द प्रोसेस टू हाउ वी गेट फ्रीडम स्टार्ट। तो ये चीजें थी। तो चलिए अब बात करते हैं इन दैट रिस्पेक्ट, ये बात हुई और फाइनली कैबिनेट मिशन का। तो अब हमारा टाइटल क्या है, तो जैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो कोई मिशन तो बनेगा, कोई कमिटी बनेगी जो भारत के लोगों से विचार विमर्श करेगी, ये चीज है। तो इसके लिए एक फॉर्मेशन हुआ, कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946, रिमेंबर केयरफुली। अब हम आपको बैकग्राउंड बता दिए, कैबिनेट मिशन पे बात कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। कैबिनेट मिशन 1946 के फरवरी मंथ में एस्टैब्लिश्ड हुआ। इन द मंथ ऑफ मार्च 1946 द कैबिनेट मिशन विजिट इंडिया टू टॉक इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। कैबिनेट मिशन, जिसको मंत्रिमंडल मिशन भी कहेंगे, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल मिशन कहेंगे, का फरवरी 1946 में लंदन में स्थापना हुई और मार्च महीना में 1946 में भारत आया और भारत के राजनीतिक दलों के गणमान्य नेताओं से बातचीत करने लगा। अब हाउ मेनी मेंबर्स वर इन कैबिनेट मिशन, दैट इज ए गुड क्वेश्चन। देर आर 3 मेंबर्स इन कैबिनेट मिशन, द वन एज इट इज सर एस्टरफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे। सेकेंड इज सर पैंथिक लॉरेंस, वो आए थे। एंड थर्ड इज एवी अलेक्जेंडर। सर पैंथिक लॉरेंस वॉज द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन। सर एस्टरफर्ड क्रिस वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड पार्लियामेंट एंड बिकम मेंबर। तो एंड थर्ड एवी अलेक्जेंडर वॉज एक्चुअली ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू हैंडल इन साउथ ईस्ट एशिया अगेंस्ट जापान। ये चीजें थी। तो ये तीनों थे, अनुभवी थे, ये तीनों बने और पैंथिक लॉरेंस चेयरमैन बने। मैं तीनों का नाम लिख देता हूं। सेटअप 1946 विजिट इंडिया 1946 मार्च। मेंबर्स आर, कौन कौन मेंबर है इसके, मैंने कहा था कौन कौन मेंबर थे। द फर्स्ट सर पैथिक लॉरेंस, चेयरमैन थे इस कमिटी के, चेयरमैन थे। और क्या थे ये, तो चेयरमैन ही नहीं थे, वो ऑलरेडी जो है भारत सचिव थे, इंडिया सेक्रेटरी थे। सेकेंड कौन थे, तो जैसे कि आप जानते हैं सर स्टफर्ड क्रिप्स, दोनों हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर थे। थर्ड एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर थे, साउथ एशिया में ब्रिटिश कमांडर थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये तीन मेंबर थे, ये चेयरमैन। तो ये तीन मेंबर। अब होता है ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट से भारत को विजिट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या था, तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा फाइनली बताते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है दो थे, दो ऑब्जेक्ट। पहला क्या, तो पहले सुन लीजिए,
फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था वो ये फाउंडेशन ऑफ या सेटअप ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर ओनली इंडियन मेंबर्स टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी एक संविधान सभा का गठन करना केवल भारतीय सदस्यों से जो अपने देश का संविधान खुद लिखते, ये एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था क्या, उस संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु एक इलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करना, तो है तो उसी से अटैच हो गया। दूसरा जो एक्चुअल था वो ये कि इन चुने गए संविधान सभा के सदस्यों से अनुपातिक आधार पर कुछ सदस्यों से एक अंतरिम सरकार का गठन करना, टू सेट अप एंटरिम गवर्नमेंट, आई मीन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, आई मीन टेम्पररी गवर्नमेंट, सो दैट द पावर कैन बी ट्रांसफर टू प्रॉपर अथॉरिटी, यानी इन संविधान सभा के चुने गए सदस्यों में से समानुपातिक आधार पर कुछ सदस्यों से एक कार्यकारिणी सरकार का गठन करना, ताकि सत्ता का हस्तांतरण उचित प्राधिकरण को किया जा सके। ये शब्द मैं लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले इसको मिटा दो बेटा, उसके बाद ऑब्जेक्ट में लिख देता हूं। Two objects, first केवल भारतीय सदस्यों से एक संविधान सभा का गठन करना तथा इस हेतु निर्वाचन या मनोनयन करना, निर्वाचन यानी बेटा इलेक्शन और ये नॉमिनेशन, दूसरा जो इसका था बेटा ऑब्जेक्ट वो क्या था, इन चुने हुए संविधान सभा के सदस्यों में से अनुपातिक आधार पर कुछ सदस्यों से एक मिलीजुली कार्यकारिणी, यानी इसको कहते हैं अंतरिम
सरकार का गठन करना ताकि सत्ता का हस्तांतरण उचित प्राधिकार को किया जा सके। ये है बेटा, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं। कैबिनेट मिशन हैज टू बेसिक ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट वॉज टू सेट अप ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विद ओनली इंडियन मेंबर टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉर दिस पर्पस इलेक्शन विल बी हेल्ड एंड सम मेंबर्स थ्रू नॉमिनेशन। सो दैट वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव कहता है फ्रॉम दिस सेलेक्टेड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रोपोर्शनली फ्रॉम ऑल पार्टीज सेटअप ए कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ ऑल पार्टीज एज एन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एंटरिम गवर्नमेंट सो दैट द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर द पावर टू द प्रॉपर अथॉरिटी। क्योंकि सत्ता तो ऐसी छोड़ के भाग नहीं जाएगा ना, किसने किसी को सौंप के जाएगा, हैंड ओवर करेगा। पावर कुड बी ट्रांसफर टू प्रॉपर अथॉरिटी, इन दैट रिस्पेक्ट नीड ए गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट था एंड दैट गवर्नमेंट विल बी रन टिल देन व्हेन मेक द ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अप्लाई इट। तो देखा, कैबिनेट मिशन का दो उद्देश्य था, दोनों उद्देश्य आपके सामने में है और कैबिनेट मिशन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब प्रोसेस में करेगा। तो ये है, तो कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन थे, सेटअप कब हुआ, कब भारत आया, कौन चेयरमैन था, किस उद्देश्य से आया और उसके बाद अब इलेक्शन प्रोसेस होगा, कितने मेंबर होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब यहां आ गए, ठीक है, इसको ओके कर लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो सत्ता का हस्तांतरण तो कहीं ना कहीं प्रॉपर अथॉरिटी को ही दिया जाता है, इसलिए सत्ता चाहिए। और ये सत्ता तब तक बनी रहेगी, ये सरकार तब तक बनी रहेगी जब तक कि भारतवासी अपना संविधान लिख करके अपने संविधान के अनुसार नई सरकार, नई पार्लियामेंट बना न ले, तब तक इसी से काम चलेगा। और लॉ कौन सा होगा, संविधान, 1935 वाले संविधान से सारा प्रक्रिया चलेगी। दिस इज द रियलिटी। तो ये याद, कैबिनेट मिशन फिनिश्ड। बहुत अच्छे सवाल आते हैं। देखिए, ये जो पार्ट हम पढ़ा रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, दैट इज द सेम इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री एंड सेम इंपॉर्टेंस इन पॉलिटी। तो ये पार्ट हम छोड़ भी देंगे जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे, नो नीड, मॉडर्न इंडिया कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। बता दो इसे, चलो। तो ये चीजें होंगे, रिमेंबर बेटा, कैबिनेट मिशन के बाद आप बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये बात करेंगे यानी संविधान सभा की बात करेंगे, सबसे अच्छा बेहतर वही आपका है। नेक्स्ट है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यह हमारा अब अगला टॉपिक है। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे बात करेंगे। तो देखिए जरा, इसको समझिए पहले, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब सेटअप हुआ और कब भंग हुआ। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये सेटअप हुआ था 9th
दिसंबर, ठीक है ना, 1946। और कब तक रन किया, ये भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा, तो याद रखिएगा 24th January 1950। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाउंड हुआ था 9th December को 1946 को, और 24 जनवरी 1950 को डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया। इस तरह से रनिंग टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये, तो अगर ये सवाल इस तरह से कभी नहीं आए, मैं खुद कह रहा हूं ऐसे सवाल कभी नहीं आए हैं कि संविधान सभा का पूरा कार्यकाल कब से कब था, नहीं आया है ना आईएएस में ना कहीं, पर आपको तो समझना होगा ना कि कब सेटअप हुआ और कब लास्ट हुआ डिसॉल्व। तो इस तरह से देखिए 9 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी 1950, और इस सिस्टम को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आप निकाल लीजिए कितने दिन तक ये बना रहा। तो देखिए 9 दिसंबर है तो 46 से 47, 48, 49, ठीक है, और 49 के बाद 50 आया, 50 तो दिसंबर गया नहीं, तो 49, अब बच के 9 दिसंबर में कितने दिन हो गए, दिसंबर कितने का होता है, 31 का होता है, तो 22 दिन यहां बच गए और 24 दिन ये, तो 22 और 24 कितने हो गए, जरा ये सोचिए 22 और 24 कितने हैं, 46, तो 46 में से एक महीना निकाल लीजिए, तो 3 साल 1 महीना, ठीक है, 26 दिन, यानी अगर देखा जाए तो 3 year 1 month 26 days runs। देखा आपने, तो संविधान सभा का पूरा जो टाइम पीरियड था 3 साल 1 महीना 26 दिन तक रहा। अगर हम वहां के संविधान सभा को देखें तो देखिए 50 है, 6 साल और जोड़ दीजिए, 56 में था ना उसका, तो लगभग वहां पर कितने 9 साल तक रहे, तो उनकी मर्जी, हमें अपने से मतलब है, ये याद रखना। तो चलिए संविधान सभा की बात, अब संविधान सभा के लिए इलेक्शन होना था एंड मेंबर्स, सबसे पहले मेंबर्स से बात कि कितने मेंबर की बात हुई थी, मेंबर्स टोटल 389। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए हमें मेंबर्स का प्रोविजन किया गया, तो टोटल मेंबर कितने रखे गए, 389 सदस्यों का प्रावधान, द प्रोविजन ऑफ 389 मेंबर्स। अब ये 389 मेंबर थे, अब इलेक्शन का संदर्भ होगा और कैसे होगा ये मेंबर याद रखिएगा, 3 categories। मेंबर्स की कैटेगरीज कितनी थी, 3 categories थी, पहला तो इलेक्टेड मेंबर कितने होने थे थ्रू इलेक्टेड प्रोसेस, जिसको कहते हैं निर्वाचन सिस्टम, ठीक है। अब दूसरा जो प्रोसेस होता था वो क्या होता था, तो उसके लिए दिया था ये भी निर्वाचन से, लेकिन इसमें क्या था, पर 10 लाख प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक निर्वाचित सदस्य होने थे, और फिर दूसरा क्या था, नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड से मतलब मेरा है क्या, तो मनोनीत, कहने का मतलब कैटेगरी 3 थी लेकिन 2 कैटेगरी के संदर्भ में आपको याद रखना है, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर थे
और कुछ इलेक्टेड मेंबर थे, कितने नॉमिनेटेड, कितने इलेक्टेड, कहां से इलेक्टेड, कहां से नॉमिनेटेड और कहां से यूनैनिमसली इलेक्टेड, तो ये सब बात होगी, पर कैटेगराइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसे हम डिटेल करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना, धन्यवाद आप सभी का।